ट्रेड विद कामरान भवानी, क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं? तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम टू ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल जिसको क्लेम है ब्लेम नहीं। आज भी हमने देखा कि लैकलस्टर रही मार्केट और मार्केट में वॉल्यूम्स बहुत कम थे। आज भी सेलिंग प्रेशर विटनेस हुआ क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं थे मार्केट में स्टार्टिंग में, और उसके बाद फिर हमने देखा जैसे जैसे वॉल्यूम थोड़े इंक्रीज कर रहे थे एंड में मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर हमें मजीद नजर आया। इसके अलावा वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है जिसमें ये वॉल्यूम लीडर रहे WTL के इलेक्ट्रिक, जबकि टॉप यानी कि गेनर्स में देखें तो टॉप गेनर्स में नेस्ले जिल ये टॉप गेनर्स है। टॉप डिक्लाइन में पार्ट टोबेको, पाकिस्तान सर्विसेज, जबकि अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज सारे जो साइडबोर्ड टेक्स सेक्टर्स हैं जैसे टेक्सटाइल, मुदारबा, इनके स्लाइटली पॉइंट पॉजिटिव देखें, जबकि नेगेटिव साइड पर देखें तो कमर्शियल बैंक के 107 पॉइंट, ऑयल एंड गैस के 64 पॉइंट और टेक्नोलॉजी पावर सेक्टर, इनके हमने पॉइंट्स यानी ग्राउंड की तरफ देखे। स्टॉक्स के अंदर अगर हम देखें तो एग्रो कॉर्पोरेशन, नेस्ले, HMB, इनके पॉइंट्स यानी कि पॉजिटिव देखे। UBL, PPL, OGDC, HUBCO, FSC, इनमें हमने गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो KEC 100 इंडेक्स 395 पॉइंट माइनस के साथ क्लोज रहा। इंट्राडे में इंडेक्स ने हाई लिया 91 पॉइंट का आगाज के साथ ही 41,690 का लेवल टेस्ट किया, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर सकी और मार्केट ने 41,155 का लो बना के 395 के करीब मार्केट क्लोज रही। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो 97 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कि फ्राइडे के वॉल्यूम से कम थे। फ्राइडे वाले दिन 120 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। इसके अलावा स्विस सॉदर्न गैस कंपनी का रिजल्ट रहा जिसमें 3 रुपये की अर्निंग माइनस हुई, लास्ट ईयर से 3 रुपये की अर्निंग माइनस थी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो IMF का प्रोग्राम जो है वो तातुल का शिकार है, और इसके अलावा भी अगर हम देखें तो कंट्री यानी कि देखा जाए तो 72 बिलियन एलोकेटेड फॉर मिनिस्टर अंडर PSDP के हवाले से यानी कि 72 बिलियन जो है वो एलोकेट कर दिए, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ थी। लेकिन इसके साथ ही अगर हम पॉलिटिकल साइड पर देखें तो काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ थी। साथ ही इमरान खान साहब के हवाले से भी एक न्यूज़ रही कि कल के दिन इमरान खान साहब की पेशी अगर कोई गिरफ्तारी हो जाती है 80% चांसेस गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन इमरान खान साहब ने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया कि मेरी गिरफ्तारी के बाद कोई तसादुम या कोई इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा महंगाई की शरह में मामूली कमी के साथ बावजूद देखें तो 23 शेयर जरूरत की कीमतों में इजाफा हुआ, यानी कि स्लाइटली कमी भी हुई है लेकिन इजाफा भी हुआ है। इसके अलावा इम्पोर्ट बिल जो ऑयल का है उसमें देखा जाए तो 59.9% कमी हुई है। ये बेसिकली देखा जाए तो हमारे इम्पोर्ट बिल के लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर हमारी टैक्सेस के हवाले से देखें तो फिर यानी कि अच्छा नहीं, थोड़ा नेगेटिव है। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ये रिकॉर्डेड डिक्लाइन ऑफ 29.1% ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी कि देखा जाए तो डिक्लाइन हुआ है टेक्सटाइल सेक्टर की जो एक्सपोर्ट्स 1.23 बिलियन, तो ये नेगेटिव है। इसके साथ ही आज मंडे वाले दिन जब फर्स्ट डे था तो पाकिस्तान में डॉलर भी जो है इसमें इजाफा हुआ और ओपन मार्केट में ट्रेड हो रहा था 305 से लेकर 308 के दरमियान, जबकि इंटर बैंक में डॉलर ट्रेड हो रहा था 286 और 288 के पास, यानी 286 के पास ट्रेड हो रहा था। बैंक दरामद कुलंदगात को डॉलर 288 रुपये में फर्क कर रहे थे। तो डॉलर की इस तरह की जो सिचुएशन है ये हमारी मुल्की मईशत के लिए बेहतर नहीं है। इसके साथ ही अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है 71.84 डॉलर के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल जब तक 73.50 क्रॉस नहीं करता है, हाई साइड पे नहीं जाएगा, इससे पहले 72.50 पर प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है और दोबारा 71 से लेकर 70 का लेवल देख सकता है। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर में हमने लास्ट टाइम आपको कहा था कि स्लाइटली इजाफा हो सकता है और हाई साइड से सेल करनी चाहिए। गोल्ड आपका देखा जाए 1975 डॉलर के पास चल रहा है, आज 0.6 डॉलर माइनस है, जबकि गोल्ड आपका 1970 से लेकर 1950 का एरिया मीट कर सकता है। इसके अलावा सिल्वर जो है 23.92 डॉलर के पास ट्रेड कर रहा है 13 सेंट माइनस के साथ, और 23.80 डॉलर से लेके 23.20-30 डॉलर तक मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ। तो गोल्ड सिल्वर में कमी हो सकती है और डॉलर इंडेक्स में इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें यानी रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल के बारे से, 41,450 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, 41,001 का लेवल हमारा सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स आपका 557 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि साल के हिसाब से अगर हम देखें तो 1795 पॉइंट ओवरसोल्ड है। मार्केट में देखा जाए जैसे जैसे मार्केट आपकी डिक्लाइन कर रही, मार्केट ओवरसोल्ड की साइड पर मूव कर रही है। इसके अलावा अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट की पोजिशन देखें तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखा जाए
तो जैसे कि स्टार्टिंग में मार्केट ने एक हाई तो लिया था लेकिन सस्टेन नहीं कर सकी थी। इस वक्त भी अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो आज मुसलसल मार्केट में सेलिंग रही है और पल्स डे यानी कि वीकनेस हुआ है। इस हिसाब से मार्केट में जो सपोर्ट लेवल होगा, इमीडिएट सपोर्ट लेवल होगा 41,000 का लेवल होगा। अगर मार्केट 41,000 का लेवल ब्रेक कर देती है तो नो डाउट मार्केट आपकी डिक्लाइन करेगी। अदरवाइज इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस लेवल में अगर देखा जाए तो 41,300 का लेवल होगा। स्टार्टिंग में 10 बजे तक 41,300 का लेवल मेंटेन कर दिया तो मार्केट आपकी बाउंस बैक कर जाएगी 41,400 से लेकर 800 के एरिया तक। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट के हिसाब से देखें तो देखिए इम्पोर्टेंट लेवल में अगर देखा जाए तो 40,950 इम्पोर्टेंट लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो नो डाउट मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर है वो कंटिन्यू रहेगा और मार्केट मजीद डिक्लाइन करेगी। इसके अलावा अगर मार्केट 40,950 का लेवल ब्रेक नहीं करती है और मार्केट वहां पर पॉजिटिव क्लोजिंग देती है, लो बनाने के बाद रिबाउंड कर जाती है और पॉजिटिव क्लोजिंग देती है तो मार्केट में डबल बॉटम बनने के चांसेस होंगे और आने वाले यानी कि रोल ओवर के बाद एक्सपेक्टेशन यही होगी कि मार्केट आपकी 42,000 से लेके 43,000 तक मूव कर सकती है। इस वक्त अगर हम डी के चार्ट के ऊपर देखें तो मार्केट आपकी नेगेटिव परफॉर्म कर रही है और कल के दिन में इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल है 40,950 का लेवल है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस मंथ में मंथ क्लोजिंग भी होगी और मंथ क्लोजिंग के एतवार से मार्केट आपकी यानी ओवरसोल्ड है और मंथ के एतवार से भी मार्केट को तकरीबन 41,500 से अबव क्लोजिंग देनी चाहिए। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से स्टॉप लॉस रखें, 41,000 का लेवल रखें। अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक करे तो फिर आप यानी कि बाइंग ना करें, मार्केट में कोशिश ही करें। फिलहाल कैश को होल्ड रखें, स्पेशल ग्रुप में टाइमली बताया जा रहा होता है। आज भी हमने सुबह मॉर्निंग में ये कॉल दी कि मार्केट आपकी यानी कि डिप्रेस है, मार्केट आपकी नेगेटिव है, मार्केट नेगेटिव परफॉर्म कर सकती है, तो इसलिए बाइंग ना करें और कोशिश करें कि प्रॉफिट टेकिंग करें अगर आपके कोई स्टॉक प्रॉफिट में है तो। अदरवाइज अपने ही स्टॉक हायर साइड पर सेल करके दोबारा रीबाउंड भी कर सकते हैं। जब कभी भी वॉल्यूम्स लो होते हैं तो मार्केट डिक्लाइन करती है और मार्केट पर बेहतर वॉल्यूम के साथ बढ़ भी जाती है। इस वक्त हमारे मुल्क में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और इसकी वजह से अगर देखें तमाम चीज़ों का एक बिगाड़ हुआ है, जिसमें डॉलर का भी बिगाड़ है, जिसमें हमारी महंगाई बढ़ रही है, जिसमें हमारी जो है वो काफ़ी चीज़ों पर कंट्रोल नहीं है, ओवरऑल मईशत के फिगर्स भी आउट हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही कि यानी कि इस वीक के अंदर अगर जैसे मामला हो जाते हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खत्म होती है तो नो डाउट ये जो रेट्स हैं आउटस्टैंडिंग रेट है बहुत अच्छे रेट्स हैं। तो इस लेवल पे ये कि लॉन्ग प्लानिंग के ऊपर मार्केट आपकी बेहतर भी परफॉर्म करेगी, लेकिन फिलहाल इस लेवल पे आपने होल्ड करना है। कोशिश करनी कि फिलहाल यानी कि जो भी स्टॉक लेते हैं तो ग्रेजुअली बाई करें, एकदम एक रेट पे बाइंग ना करें। इसके अलावा लास्ट हमने बताया था एयरलिंक के बारे में, आज भी एयरलिंक ने हाई सेट पे परफॉर्म किया। एयरलिंक जब तक 1950 से ऊपर पर रहेगा इसका टारगेट वही रहेगा 23, 24, 25, 28 रहेगा। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर आज थोड़ा मजबूत नजर आया, ज्यादा टूटते हुए नजर नहीं आया। इसके अलावा ऑयल सेक्टर में हमने देखा थोड़ी सी गिरावट रही, लेकिन इसके बाद ऑयल सेक्टर भी एक जगह पे एक्यूमुलेट होना शुरू हुआ। तो सीमेंट सेक्टर आपका परफॉर्म कर सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे अपनी पोजीशन बना सकता है। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मोहम्मद दानिश को, मोहम्मद दानिश आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।